अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 7 महीने से भी ज्यादा हो गए और अभी तक उनके मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। उनकी मौत की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी ड्रग्स एंगल को लेकर अलग से जांच कर रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर है कि एनसीबी अब सुशांत के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार की तलाश कर रही है। वो लंबे समय से फरार है। आरोप है कि ऋषिकेश पवार भी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स सप्लाई करता था। आपको बता दें कि पवार पिछले दिनों अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे थे। उन्हें गिरफ्तार होने का डर था। गुरुवार को एनडीपीएस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद एनसीबी ने उनकी तलाश तेज कर दी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि वो पवार की तलाश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पवार ने कुछ समय तक सुशांत सिंह के साथ काम किया था, लेकिन पिछले साल उन्हें हटा दिया गया था। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि पवार मुंबई के चेंबूर में रहते हैं। उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार सुशांत से मिलने के लिए उनके फ्लैट पर जाते थे। एनसीबी के अधिकारी के मुताबिक वो पवार से पहले ही ड्रग्स एंगल को लेकर पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन पवार जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। समन जारी होने के बावजूद पवार ने पूछताछ के लिए आने से मना कर दिया था। इसके बाद से इस केस में उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सुशांत के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने में कितने मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नमामि भारत।